दोस्तों, अगर आपने अभी तक आलोक का बर्थडे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आलोक का बर्थडे का केक कोई चुरा कर लेकर भाग जाता है और चुन्नी उसे देख लेता है और सभी को बता देता है कि केक चोरी हो चुका है। सारे लोग उस चोर का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। ये सारे लोग चोर का पीछा करते करते फैक्ट्री से काफी दूर निकल आते हैं। ये लोग भागते भागते देखते हैं कि हाईवे के उस तरफ एक घर है और चोर उसी घर के अंदर चला गया है। घर के पास आते ही सारे लोग खड़े हो जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है, ए चोर घर से बाहर निकलो, हमने तुम्हें देख लिया है। तभी चुन्नी चोर से कहता है, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की सोचना भी मत वरना मारे जाओगे। आलोक कहता, अरे नहीं चुन्नी, ये मुझसे बचकर नहीं भाग सकता, इसने तो मेरा केक चोरी किया, मैं बस एक बार इसका चेहरा देख लूं फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसे पता नहीं है कि मैं कैसा आदमी हूं और इसने तो मेरा बर्थडे भी खराब कर दिया। हम लोग कितने अच्छे से पार्टी मना रहे थे, हम लोगों को तो डांस करने में भी काफी ज्यादा मजा आ रहा था, पर इस चोर के कारण सारा मजा खराब हो गया। मैं उसे मारे बिना नहीं रह सकता, बस वो एक बार घर से बाहर निकले। ये बात सुनते ही अज्जू भाई आलोक से कहते, अरे नहीं आलोक, तुम उसे क्यों मारोगे, हम लोग हैं ना, हम लोग ही उसे देख लेंगे। शायद उस चोर को पता नहीं है कि तुम मेरे और राई स्टार के दोस्त हो और अब ये सारे क्रिमिनल्स भी तुम्हारे दोस्त हैं और गुल्ली बुल्ली रॉड तो है ही। ये सब बातें बोलने के बाद भी चोर घर से बाहर नहीं निकलता है, पता नहीं वो कहाँ छिप गया है। आखिर इतने घने जंगल में ये घर किसका है, कहीं ये घर उसी चोर का ही तो नहीं। अज्जू भाई कहते हैं, मैं तो उसे कब का हेडशॉट मार देता, लेकिन मैं तो गन लेकर ही नहीं आया। अरे ये क्या, इस घर में कौन सोया है, अरे ये तो कोई बूढ़ा आदमी लग रहा है और इसके पास में ही केक रखा हुआ है, लेकिन केक तो किसी और ने चुराया था, लगता है ये बूढ़ा आदमी काफी दिनों से बीमार है। अरे ये क्या, केक चोर तो यहीं पे खड़ा है और अज्जू भाई की सारी बातें सुन रहा है। अब ये चोर क्या करेगा, लगता है ये चोर अब पकड़ा जाएगा। और इधर चुन्नी चोर को घर से बाहर निकलने के लिए बार बार कह रहा है, लेकिन चोर बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। तभी आलोक को गुस्सा आ जाता है और आलोक गुस्से में कहता है, तुम बाहर आओगे या हम लोग अंदर आ जाएं, अगर हम लोग अंदर आ गए तो तुम्हें बहुत ज्यादा मारेंगे, इससे पहले कि मुझे और ज्यादा गुस्सा आ जाए मेरा केक लेकर घर से बाहर आ जाओ, हो सकता है कि हम लोग तुम्हें माफ कर दे क्योंकि हम लोग इतने बुरे आदमी भी नहीं है, आखिर तुमने मेरा केक ही क्यों चुराया है, बस ये बात हम लोग सुनना चाहते हैं वो भी तुम्हारे मुंह से। तभी अज्जू भाई कहते, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, जल्दी से आलोक का केक लौटा दो, तब हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे और यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही अज्जू भाई इतना कहते हैं तभी इन लोगों को घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा है कि कोई घर से बाहर आने वाला है, लेकिन आखिर कौन आने वाला है। अरे ये क्या, ये तो वही चोर है जिसने केक चोरी किया है। चोर घर से बाहर आते ही इधर उधर देखने लग जाता है, शायद इसे कम दिखाई देता है। चोर अज्जू भाई से कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ पे शोर क्यों मचा रहे हो, तुम लोगों ने तो चिल्ला चिल्ला कर मेरे पापा को भी जगा दिया जो आराम से सोए हुए थे, तुम लोग यहाँ पे और शोर मत करो और यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम लोगों को यहाँ से डंडे मारकर भगा दूँ। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारा केक चोरी नहीं किया है, क्या मैं तुम लोगों को चोर दिखाई देता हूँ, चलो निकलो यहाँ से और दोबारा इस जगह पे दिखाई मत देना। तभी चुन्नी चोर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये झूठ बोल रहा है। अज्जू भाई कहते हैं, हाँ चुन्नी, मुझे पता है कि केक को इसने ही चुराया है, आखिर तुम झूठ क्यों बोलोगे, और वैसे भी इसका शकल तो चोर जैसा ही लगता है, जरूर इसने ही केक को चुराया है, तुम हमारा केक वापस देते हो या नहीं। तभी चोर कहता है, तुम लोगों को एक बार में बात समझ में नहीं आता है, मैंने कहा ना कि मैंने केक को नहीं चुराया है। तभी आलोक चोर से कहता है, तुम पहले ही हमारा कितना टाइम बर्बाद कर चुके हो, अब मुझे लग रहा है कि तुम बात से नहीं मानोगे, अब मुझे लग रहा है कि तुम हमारे हाथों से पीटोगे, और वैसे भी लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तभी चोर कहता है, तुम लोग मेरे घर के सामने ही मुझे धमकी दे रहे हो, अभी तुम लोगों को मैं बताता हूँ। ये कहते ही चोर अज्जू भाई की तरफ दौड़ लगा देता है, अब पता नहीं चोर का क्या होगा। अरे ये तो वही आदमी है जो अंदर में सोया हुआ था। ये आदमी घर से बाहर आते ही अज्जू भाई से कहता है, तुम लोग कौन हो और मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो। तभी अज्जू भाई उस बूढ़े आदमी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये आपका बेटा चोर है, इसने हमारा केक चोरी किया है, आप बस हमारा केक वापस लौटा दीजिए, वो केक आपके घर के अंदर ही होगा, आज मेरा दोस्त आलोक का बर्थडे था और इसने उसका केक ही चुरा लिया, आप बस हमारा केक वापस लौटा दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और अपने इस बेटे को अच्छे काम में लगा दीजिए, ये चोरी का काम करता है और आप फिर भी इसे कुछ नहीं कहते हैं, ये बहुत गलत बात है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे पता है कि मेरा बेटा चोरी करता है, दरअसल मेरे बेटे को थोड़ा कम दिखाई देता है, इसी वजह से इसे कोई काम पे नहीं रखता है और मैं कई सालों से बीमार रहता हूँ, इसीलिए इसे मेरे लिए खाने पीने का सामान चोरी करना पड़ता है।
तभी अजू भाई कहते, ये बात मुझे पता नहीं थी, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अजू भाई की ये बातें सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी रोने लग जाता है और वो रोते हुए कहता है, आप लोग बहुत अच्छे आदमी है, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। मुझे तो लगा था कि अगर आप लोगों को पता चलेगा कि मैं इसका पापा हूं, तो आप लोग मुझे भी मारेंगे। अब मैं अपने बेटे को चोरी करने से रोकूंगा, लेकिन आखिर ये काम भी क्या करेगा, इसे तो कोई काम देता भी नहीं है, आप लोग ही बताइए किसके लिए मैं क्या करूं। तभी वो चोर अज्जू भाई से कहता है, आप लोग ही मुझे कोई काम बता दीजिए जिससे कि मैं पैसे कमाकर अपने पापा का देखभाल कर सकूं। सारे लोग इसकी बात सुनकर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी चुन्नी कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, क्यों ना तुम हमारी फैक्ट्री में ही काम कर लो, अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। चुन्नी की बात सुनने के बाद रॉड कहता है, हां हां मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री में काम दे दूंगा और महीने के 10,000 रुपए भी दूंगा, साथ ही साथ केक और आइसक्रीम भी फ्री में ले सकते हो। रॉड की बात सुनते ही वो चोर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने मेरे बेटे को काम दिया, अब वो चोरी कभी नहीं करेगा। ये सब बातें सभी लोग कर ही रहे होते कि तभी, अरे ये क्या, इसे तो किसी ने गोली मार दिया है, आखिर वो कौन है जिसने इसे गोली मारा है, अब तो इसकी मौत हो गई है। और अज्जू भाई को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। तो दोस्तों अब क्या होगा उस बूढ़े आदमी का, और अब क्या करेंगे अज्जू भाई, और आखिर इस चोर को किसने मारा है, ये सब देखेंगे हम लोग पार्ट 5 में। तो दोस्तों अगर आप आलोक का बर्थडे पार्ट 5 देखना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के सारे कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया तो आप इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।